टुकड़े भर जमीन के लिए बेटियों ने बाप को मारा, कागज पर बाप को मारकर जमीन हड़पी, जिंदा होने का सबूत देता घूम रहा है पीड़ित, बेटियों के धोखे से नहीं मिल रहा है न्याय। अक्सर हमने जमीन के चक्कर में बेटे के कलयुगी होने का किस्सा सुना है और बेटियों के माँ बाप का सहारा बनने का, लेकिन बाराबंकी की दो बेटियों पर जो इल्जाम लग रहे हैं उससे ये सारे किस्से अब गलत साबित होते नजर आ रहे हैं। यहाँ दो बेटियों ने जमीन के लालच में अपने ही पिता को मृत घोषित कर दिया जबकि उनके पिता जिंदा है। बिल्कुल सही सुना आपने, बेटियों ने जमीन के लालच में अपने ही पिता को मार दिया, वो भी कागजों पर। बेचारा पिता खुद को जिंदा साबित करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी मदद कर पाए। मामला सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम तुरकानी का है। यहाँ रहने वाले सत्यनारायण अपने जिंदा होने का सच साबित करने के लिए परेशान है। बताया जा रहा है कि सत्यनारायण का बड़ेल गांव अब नगर पालिका परिषद नवाबगंज का हिस्सा है। उनकी दो बेटियां हैं प्रीति और ज्योति। सत्यनारायण की माने तो 12 अक्टूबर 2005 को उनकी पत्नी सरोज कुमारी का निधन हो गया। इसी के बाद सिर्फ 7 बीघा जमीन के लिए उनकी दोनों बेटियों ने उन्हें कागजी तौर पर मृत घोषित करा दिया। खुद को जिंदा साबित करना ही अब सत्यनारायण के लिए चुनौती बना हुआ है। सत्यनारायण खुद को जिंदा बताते हुए लगभग हर अधिकारी के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन ना ही कोई उनके सुनने वाला है ना ही समझने वाला। इस बार न्याय की आस लगाकर सत्यनारायण जिलाधिकारी अविनाश कुमार के पास पहुंचे और अपनी तकलीफ बयान की। वहीं पीड़ित की माने तो डीएम ने एसडीएम नवाबगंज विजय कुमार त्रिवेदी को जांच के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।